अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फैमिली, ये सैलड, ये सालन और ये तैयारी सारी किसके लिए है? आइए मैं बताऊँ, आज मेरे मेहमान तो नहीं, अपने घर वाले हैं, जो घर वापस आने वाले हैं। काफ़ी दिनों से वो बाहर गए हुए थे, तो आज उनके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले मैंने कीमा चढ़ाया, क्योंकि छोटे बच्चों को कीमा पसंद है, दादू के हाथ का कीमा। मैंने कीमे में प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और एक टमाटर डाल के, नमक मिर्च हल्दी डाल के मैंने जल्दी से प्रेशर कुकर में डाल के रख दिया, पकने रख दिया। अब जिंजर चिकन की तैयारी है, इसमें सिर्फ अदरक डलता है और ब्लेंड टोमेटोज। जिंजर चिकन को मैंने उबाल लिया था, पीसीस कर लिए थे। ऑयल इसमें यूज़ होगा और ब्लैक पेपर यूज होगी। ऑयल डाला, उसमें जीरा डाला, उसमें कड़ी पत्ता डाला, उसमें चिकन को मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद उसमें अदरक का पेस्ट डाला और टमाटर डाल दिए, ये मैंने पकने रख दिया। मेहमान जो है ट्रैवलिंग, मेहमान तो नहीं घर वाले ट्रैवलिंग में है, वो मेरे ख्याल है पहुंचने वाले हैं 1 घंटे तक, इसलिए मुझे बहुत जल्दी है कि मैं उनका खाना तैयार रखूं। इन बिटवीन कहीं ना कहीं रुक के कोई रिफ्रेशमेंट तो ली होगी, लेकिन बहुत लंबा सफ़र है, लंबे सफ़र से आ रहे हैं और भूख लगी होगी बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रंस को, तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए खाना बना रही हूँ ताकि उनके आने से पहले टेबल लगा हो। ये डिश आउट कर दिया, जिंजर चिकन है, कीमा ग्रिले हैं, आलू कीमा है, अभी इनको डिश आउट करना है। लेकिन शुक्र अल्लाह का सारे काम हो गए, सिर्फ अब चावल तहरी की शक्ल में बनाने हैं। ये चिकन की यखनी में बनेंगे। प्याज डाला, प्याजों को ब्राउन किया, उसमें आलू डाले, आलू थोड़े से ब्राउन होने दिए प्याजों के साथ, फिर उसमें लहसुन अदरक का आलू डाल के थोड़े से ब्राउन किए, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और शुक्र है ये तहरी मुझे भी बड़ी पसंद है और मेरे घर वालों को भी बड़ी पसंद है। चावल को किसी भी फॉर्म में बना लो, उसकी अपनी ही वैल्यू है, चाहे बिरयानी हो, पुलाव हो, कुछ भी हो। लीजिए आलू, पहले ऑयल प्याज ब्राउन किया, उसमें आलू डाले, उसमें टमाटर डाले, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसमें अब उसको थोड़ी देर आलू ब्राउन होने दिए, उसमें सारा हांडी का मसाला डलेगा, नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया, जो हांडी में डलता है ना वो मसाला डलेगा उसको जल्दी से। फिर थोड़ा सा आलूओं को गलने देते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे आलू का सालन बन रहा है इस तरह का हो जाएगा। इसमें तमाम साबुत मसाला मैं डाल रही हूँ, काली मिर्चें और जो गरम मसाला, मोटी इलायची, काली मिर्चें, दालचीनी और साबुत गरम मसाला जो कि पुलाव में डलता है, हर चीज़ का इम्तिज़ाज है। सालन बनता है और पुलाव वाला मसाला भी डलता है, सालन वाला भी। लीजिए चावलों को धीमी आंच पे रख दिया, और बच्चों को नान पसंद है तो रोगनी नान आ गए, खाना तैयार।